हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मेरा नमस्ते, मेरा नाम शिवम कुमार द्विवेदी है। मैं सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली भोपाल मध्य प्रदेश से। एंड मैंने जो अपना बैचलर्स किया वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, देन जो मास्टर्स है हमारा, जो मेरा प्रोग्राम है वो है मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च। सो अगर हम इसको लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये काइंड ऑफ मिनी पीएचडी है। सो ये मैं कर रहा हूँ आईआईटी मद्रास से इन डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर रवि कुमार। सो आखिर में ये मेरा दूसरा विजिट है। सो इन 2022 मैं यहाँ पर आया था अंडर दिस आईआईटी मद्रास RWTH आखन जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सो हमारा कोलैबोरेशन था यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मैकेनिक्स में। सो इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पर जिनके साथ काम करने आया था वो यहाँ पर नहीं थे उस समय पर। सो मेरा जो काम था वो मॉलिकुलर डायनामिक्स में था, बट चूंकि वो यहाँ पर नहीं थे तो फिर हमने लिटरली यू नो हमने जो हमारे जो प्रोफेसर हैं रवि कुमार, उनके साथ डिस्कस किया कि अब क्या करा जाए। सो फिर देन उनके पास उनका एक कनेक्शन था फॉर्शुंगटम यूलिश में। सो देन हमने उनको कांटेक्ट किया और बताया कि ये मेरा यू नो मेरा बैकग्राउंड है और हम काम करना चाह रहे हैं। तो फिर हमारा वहाँ से कोलैबोरेशन हुआ। वो लोग डिफरेंट टॉपिक्स में काम करते हैं, बट देन मतलब मुझे अपना टॉपिक स्विच करना पड़ा। सो जब हम वापस गए इंडिया तो इनिशियल प्लान नहीं था कि मैं उसको मास्टर थीसिस में लूँगा, बट जब मैंने उसको अपने ग्रुप में प्रेजेंट किया तो लोगों ने बोला इससे हम मतलब जो वर्क था वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था, तो हम पॉसिबिलिटी थी कि मैं उसको मास्टर थीसिस के रूप में ले सकूं। सो उसमें कुछ गैप्स थे। सो उस गैप्स को फिल करने के लिए फिर हमने सेकेंड टाइम फंडिंग के लिए अप्रोच किया। सो बेसिकली शिवा गुरु जी ने मुझे बताया कि IGCS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है। देन एक मेरे फ्रेंड थे जो यहाँ पर समर स्कूल में आए हुए थे, तो वहाँ से मुझे कुछ आइडिया लगा कि ये कुछ ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैंने आपकी वेबसाइट पूरी देखी और मुझे पूरा यू नो बेसिकली मैं पूरा ऑफर भी मुझे मिल गया कि क्या IGCS और कैसे अप्लाई करते हैं। सो फिर मैंने फर्स्ट कांटेक्ट किया था प्रोफेसर कृष्णा वासुदेवन एंड लीज़ा, मिस लीज़ा, एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट द स्कॉलरशिप। IGCS का एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि यू नो मैंने केवल एक ईमेल भेजा था प्रोफेसर्स को, प्रोफेसर एंड मिस लीज़ा को, एंड उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस किया। फिर हमने एक जो हमारे होस्ट प्रोफेसर है यहाँ के, वहाँ से हमने उनका इनविटेशन लेटर मांगा। फिर हमने रिसर्च प्रपोजल भेजा। सो विद इन अ वीक दे उन्होंने उसका रिजल्ट दे दिया और फंडिंग भी काफ़ी अच्छी, मुझे ट्रैवल्स के लिए भी फंडिंग मिला है, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज पिछली बार मुझे नहीं मिला था ट्रैवलिंग के लिए भी। सो ये एक्सपीरियंस भी नया है, क्योंकि जब मैं आया था इनिशियली मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज हुई थी, क्योंकि कोई भी आप ये मानिए कि फ़र्स्ट टाइम मैं एयर फ्लाइट फ़्लाइट का सफ़र करने वाला था, वो भी जर्मनी के लिए। जब मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। बट अगेन चूँकि आप ये जो वीडियोज़ हम लोग कर रहे हैं, या फिर आपके मैंने वेबसाइट देखा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पॉडकास्ट है, टेस्टिमोनियल वीडियोज़ हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं जो अपकमिंग यू नो स्कॉलर्स होते हैं। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो ये IGCS स्कॉलरशिप है ये केवल IIT मद्रास के लिए लिमिटेड नहीं है, अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया के उनके लिए भी एलिजिबल है। तो बच्चे मेरा ये सजेशन ये है कि जो भी सबसे पहले यदि कोई भी इंटरेस्टेड है जर्मनी में आने के लिए, या फिर इस RWTH आखन में आने के लिए, या फिर TU9 यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए, तो सबसे पहले आप IGCS वेबसाइट में जाइए, आपको पूरा वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि क्या है ये स्कॉलरशिप, किस किस यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं और कैसे आप इसको कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। देन फिर वीज़ा प्रोसेस का अलग डिफरेंट होता है। सो अगर मैं कहूँ जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको अगर यहाँ पर आना है एज अ एक्सचेंज स्टूडेंट, वो है इनविटेशन लेटर, मतलब कि आपका कोई ना कोई यहाँ पर होस्ट प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे IGCS के लिए। बेसिकली IGCS एक आपको एक फंडिंग देगा, बट आपके पास कोलैबोरेशन होना चाहिए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा IGCS से। सो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हमारा लंच टुगेदर एंड दिस वीडियो
अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि IGCSE फंडिंग देता है आपको, बट केयर भी करता है आपको कि आपके स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वगैरह वगैरह. सो ओवरऑल थैंक यू वेरी मच फॉर IGCSE एंड आई ऑल्सो लाइक थ्रू दिस वीडियो मैं अपने गाइड प्रोफेसर रवि कुमार को भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा, प्लस प्रोफेसर गियोन एंड डॉक्टर इवन ओहा जिन्होंने मुझे होस्ट किया, जो मेरे होस्ट इंस्टीट्यूट से हैं, एंड डॉक्टर प्रोफेसर कृष्णा वासुदेवन बिकॉज उन्होंने बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड किया, एंड मिस लीजा ऑल्सो एंड ऑफकोर्स यू राहुल ऑल्सो. या थैंक यू.